वेलकम टू रैंडम फॉरेस्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट छोटा सा जो मैं एक्सरसाइज बेस पे देता हूँ। और आपने आई होप पहले खुद ट्राई किया होगा, खुद काम किया होगा इस पे, आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, पहले खुद ट्राई किया होगा। और अगर आप कहीं पे स्टक हुए हैं तो फिर आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। तो इसमें जो हम डेटा यूज करे होंगे वो हमारे पास लैंडिंग क्लब डॉट कॉम का डेटा है। उसमें आपके पास जो बोरोर्स हैं जिनको मनी चाहिए, विद द पीपल हु हैव मनी, जो कि आपके इन्वेस्टर्स हैं। और ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर होता है वो चाहेगा कि उसको मनी बोरो करे दे जो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ पेइंग, जो आपको ज़्यादा उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको वापस पे करेगा, अदरवाइज आप क्यों देंगे। ठीक है, तो बाकी इसके ये जो फीचर्स हैं ये आप पढ़ लीजिएगा और आई होप आपने पढ़े भी होंगे। तो हम अब चलते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशंस पे। बेसिक जो लाइब्रेरीज हैं वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और डेटा आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से, वरना मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डेटा की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं रीड करता हूँ pd.readcsv और इसमें जो डेटा हमारा है वो है loandata.csv और इसको मैं df को दे देता हूँ और इस df का मैं इन्फो देखता हूँ। तो हमारे पास 9578 रोज हैं, ऑब्जर्वेशन हैं, एंट्रीज हैं और 14 कॉलम्स हैं। इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट के कॉलम भी हैं, फ्लोट के भी हैं, इंटीजर्स के भी हैं। और यहाँ पे हम हेड देख लेते हैं कि हमारा पहले डिस्क्राइब देख लेते हैं। तो df डॉट डिस्क्राइब अगर आप देखें तो आपकी ये मीन्स हैं, स्टैंडर्ड डिविएशंस, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें जो बेसिक स्टेट्स है वो आपको डिस्क्राइब मेथड से पता चल सकती है। उसके बाद हम देखते हैं अपना df का हेड। अगर आप हेड देखें तो आपके पास क्रेडिट पॉलिसी है, पर्पस है, किस पर्पस के लिए उठा रहे हैं, एंड इंट्रेड इंस्टॉलमेंट है, एंड लॉग एनुअल इनकम, एंड आपका DTI है, FICO, डेज विथ CR लाइन और ये बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं। और ये फीचर्स का मतलब क्या है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अभी तो क्योंकि हम जस्ट मॉडल बना रहे हैं, मतलब उस कोई हमारा एक्यूरेसी पे या उस पर इतना फोकस नहीं है। हमारा फोकस ये है कि हम बनाते कैसे हैं, चीज़ें काम कैसे करती हैं, उसीलिए हम मैं ज़्यादा फोकस नहीं करा कि कौन सी चीज़ क्या है। लेकिन जब हम एक्चुअली मॉडल बना रहे होंगे, आप किसी एक्चुअल मॉडल बनाने की पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा कि आपको मिसिंग डाटा को किस तरह हैंडल करना है, किसी डाटा को किस तरह ट्रांसफॉर्म करना है, कौन सा फीचर कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो ये डाटा को अंडरस्टैंड करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। ठीक हो गया, और उसके बाद हम इसका EDA देखते हैं। और ये कह रहा है कि आप कोई भी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सीबॉन यूज़ कर रहा हूँ। और क्रिएट ए हिस्टोग्राम ऑफ टू FICO डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, वन फॉर ईच क्रेडिट पॉलिसी आउटकम। अगर आप अपना हेड देखें तो आपके पास ये FICO, इसका हम हिस्टोग्राम बना रहे होंगे। और आपका जो क्या कहते हैं क्रेडिट पॉलिसी है जो कि 0 और 1 है, तो 0 के लिए अलग, 1 के लिए अलग, लेकिन एक ही डायग्राम पे बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन्होंने अगर आप देखो तो एक ही डायग्राम पे एक क्रेडिट पॉलिसी 1 वाला बनाया है और 0 वाला बनाया है, लेकिन ये डेटा किसका है, FICO का। ठीक हो गया, तो हम पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं क्रेडिट पॉलिसी 1 वाला, फिर 2 वाला। तो हमारा df, उसमें मैं चाह रहा हूँ कि df का जो हमारा क्रेडिट पॉलिसी वाला कॉलम है, क्रेडिट डॉट पॉलिसी वाला कॉलम है, ये इक्वल टू 1 के हो। तो ये मेरे पास जो डेटा आएगी, अच्छा इसको मैं एक ऊपर ना के यहाँ पे लिखता हूँ, ताकि अगर ये आप देखें तो आपके पास सारे FICO जो क्रेडिट पॉलिसी 1 वाले ये आ गए। तो एक हम 1 वाले बनाएंगे और इसका मुझे कौन सा कॉलम उठाना है, आपके FICO वाला कॉलम उठाना है, क्योंकि इसी का ही मुझे हिस्ट बनाना है। ठीक हो गया, तो ये आपका एक इसका कॉलम, एक FICO वाला कॉलम, वो आ गए जो हमारे क्रेडिट पॉलिसी 1 वाले हैं। ठीक हो गया, और इसका मुझे हिस्ट बनाना है। वैसे आप सीबॉन का SNS डॉट हिस्ट वाला जो होता है ना,
वो यूज कर सकते हैं, या फिर पेंडास का डायरेक्ट भी होता है हिस्ट, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसमें कुछ चीजें मैं चेंज करता हूँ, जैसे इसका अल्फा में तो 0.5 दे देता हूँ, इसका कलर में लेट से रेड दे देता हूँ, और लेबल इसका मैं दे देता हूँ हमारा क्रेडिट पॉलिसी इक्वल टू 1 है इसका। ठीक हो गया। और यही चीज हम करते हैं हमारे पॉलिसी 0 के लिए, ये 1 वाले थी, ये 0 के लिए, और इसका कलर में ब्लू कर देता हूँ, और ये मेरा 0 के लिए। ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास ये बन गया, लेकिन मैं इसको और थोड़ा बिन्स बढ़ा देता हूँ, उसके बिन्स लेट से 30 है इसके, और इसके भी बिन्स लेट से 30 है। ठीक हो गया। और इसकी मैं थोड़ी साइज बढ़ा देता हूँ, तो plt डॉट फिगर, और इसके अंदर फिक्स साइज जो है मैं वो 10x6 दे देता हूँ, और इसका थोड़े लेबल्स दे देते हैं। हमारा एक्स लेबल जो होगा वो क्या है, पिको है, और plt डॉट वाई लेबल जो होगा वो लेबल हमारा क्या है, वाई लेबल तो बस फिको की जितनी वैल्यूज होंगी ना तो वो खुद ही आ जाएगा, तो वाई लेबल है ही नहीं हमारा। ठीक हो गया। और इसमें अगर आप देखें तो आपका लेबल नहीं आया। अच्छा, लेबल क्यों नहीं आया, क्योंकि plt डॉट लेजेंड होता है, जो लेबल्स होते हैं यहाँ पे आने वाले वो आपके लेजेंड होते हैं, लेजेंड आप जब ये फंक्शन कॉल करेंगे तब ये इस लेबल्स को देखेगा। ठीक हो गया। तो अब फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास क्रेडिट 1 के आप देख सकते हैं कि कितनी क्या डिस्ट्रीब्यूशन हैं, क्या कैसे हिस्टोग्राम बनता है, और क्रेडिट पॉलिसी 0 का भी कैसे बनता है, इस तरह बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर आप देखें तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपको पहले क्या है, क्रेडिट पॉलिसी 1 को सिलेक्ट करना है, फिल्टर करना है डेटा, उसमें से आपको जो कॉलम चाहिए वो निकाल लो। क्रेडिट 0 पॉलिसी वाले आप सिलेक्ट कर लें, उसको जो आपको कॉलम चाहिए वो निकाल लो, और उसका हिस्ट बनाना हिस्ट बना लो। और ये तो फिर एक्स्ट्रा है, आप ग्राफ को अच्छा बनाने के लिए आप दे दें कुछ क्रेडिट पॉलिसी का लेबल दे दें, आपको पता चले कौन से कलर दे दें, अल्फा वैल्यू दे दें, तो ग्राफ आपका थोड़ा अच्छा खासा क्यूट सा प्यारा सा हो जाए। ठीक हो गया। सेम है, डोंट वरी अबाउट कलर्स एंड एवरीथिंग। क्रिएट सिमिलर फिगर एक्सेप्ट दिस टाइम सिलेक्टेड बाय नॉट डॉट फुली डॉट पेड। तो यही हमारा सेम चल रहा होगा, लेकिन इसमें हमारा जो कॉलम होगा ना वो कहाँ गया, नॉट डॉट फुली डॉट पेड कहाँ है कॉलम, ये लास्ट वाला सही हो गया, नॉट डॉट फुली डॉट पेड, तो ये यूज कर रहे होंगे हम। तो अभी आपका नॉट डॉट फुली डॉट पेड अगर 1 है और 0 है तो नॉट डॉट फुली डॉट पेड, और यही मैं यहाँ पे हमारा दिया जाएगा 0 वाले 1 वाले, और यहाँ पे लेबल भी मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और ये आपका हो गया नॉट डॉट फुली डॉट पेड वाले का हिस्टोग्राम। ठीक हो गया। और देन वी हैव टू क्रिएट अकाउंट प्लॉट यूजिंग सीबॉन्ड शोइंग द अकाउंट्स ऑफ लोन्स बाय पर्पस विद अ कलर ह्यू डिफाइंड टू नॉट फुली पेड। तो यहाँ पे मैं फिर से डीएफ का हेड देख लेता हूँ सिर्फ 2 रोज ताकि मेरे पास कॉलम्स यहाँ पे पड़े रहे, और यहाँ पे मुझे काउंट प्लॉट बनाना है, तो काउंट प्लॉट, और इस काउंट प्लॉट मुझे किसका बनाना है, पर्पस का, इस पर्पस का। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं एक्स इक्वल टू पर्पस दे देता हूँ, सॉरी योर पर्पस, और आपका यू कह रहा है कि आप नॉट डॉट फुल्ली डॉट पेड दे दें, और हमारा डेटा है वो डीएफ है। ठीक हो गया। यही है, तो ये आपका काउंट हो गया। फिगर थोड़ी मैं बड़ी कर लेता हूँ ताकि फिगर और फिगर साइज इक्वल टू आपका हो गया 10x6। ठीक हो गया। तो ये आपके हो गए काउंट प्लॉट ऑफ पर्पस का। तो कौन से लोग कर रहे हैं पर्पस के लिए कर रहे हैं, जो डेट कंसोलिडेशन के लिए जो लोन ले रहे हैं, उनमें से जो नॉट फुली पेड 0 वाले वो ज़्यादा लोन ले रहे हैं। तो ऑफकोर्स जो ज़्यादा जिनको फुल पे नहीं मिली वही लोन ले रहे होंगे ना, जिनको फुल पे
मिल रही है वो इतनी लोन नहीं ले रहे होंगे, तो सेंस भी बन रहा है। ठीक हो गया। तो लेट्स सी द ट्रेंड बिटवीन फिको स्कोर एंड इंटरेस्ट रेट रिक्रिएट द फॉलोइंग जॉइंट प्लॉट। तो हमारा जो इधर फिर से मैं हेड शो कर लेता हूँ, टीएफ डॉट हेड, और ये हमें जॉइंट प्लॉट बनाना है फिको एंड इंटरेस्ट रेट का। ठीक हो गया। तो इंटरेस्ट रेट आपका ये पड़ा है, फिको ये है। तो एसएनएस डॉट जॉइंट प्लॉट, एक्स आपका हो गया फिको और वाई आपका हो गया इंटरेस्ट, जो कि आपका इंटरेस्ट रेट है, और डेटा मेरी टीएफ है। दैट्स इट, ये आपका बन गया जॉइंट प्लॉट। और वो कलर डिफरेंट था, कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं, कलर लेट से आगे पर्पल था। हाँ, तो ये आपका पर्पल कलर का क्यूट सा ग्राफ बन गया। ठीक हो गया। क्रिएट द फॉलोइंग लीनियर मॉडल प्लॉट टू सी इफ द ट्रेंड बिटवीन ट्रेंड डिफर्ड बिटवीन नॉट फुली पेड एंड क्रेडिट पॉलिसी। चेक द डॉक्यूमेंटेशन फॉर लिम प्लॉट इफ यू कॉन्ट फिगर आउट हाउ सेपरेट। और लिम प्लॉट की डॉक्यूमेंटी के साथ चेक करेंगे, टैप शिफ्ट टैप प्रेस करके आपको एक्स देनी है, वाई देनी है, डेटा देनी है। और एक्स आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो फिको है और ये इंटरेट है, और ह्यू में आप क्रेडिट पॉलिसी देंगे। तो हमारा एक्स हो गया फिको और वाई हो गया इंट डॉट रेट, और आपका ह्यू हो गया क्रेडिट डॉट पॉलिसी, और आपकी डेटा हो गई डीएफ। अच्छा, इसने अलग अलग कॉलम बनाए थे, अगर अलग अलग कॉलम थे तो आप यू की जगह कॉल दे देंगे, याद है। ये भी हमने डेटा विजुअलाइजेशन में किया था कि आपको यू देना है एक ही पे, तो ये देते हैं कॉल। यहाँ पे देंगे तो क्रेडिट पॉलिसी वन का अलग ग्राफ बनेगा और जीरो का अलग ग्राफ बनेगा। तो ये आपके दो ग्राफ्स बन गए इस तरह। और इसका अगर पैलेट में दे दूँ कोई और सेट वन होता है, लेट से कोई और देता हूँ सेट वन भी, तो उसका होता है आगे पड़ा है नहीं चल रहा, खैर कोई भी इसका कलरिंग यहाँ पे पैलेट का जो भी हो सकता है आप दे सकते हैं कलर, कलरिंग डजंट मैटर एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग दिस। ठीक हो गया। तो ये क्रेडिट पॉलिसी जीरो पे आपका फिको और इंटरेस्ट का एक लीनियर मॉडल है, और ऑफकोर्स इनका कोरिलेशन है आपस में, क्रेडिट पॉलिसी जीरो पे भी वन पे भी ऑलमोस्ट सेम ही इक्वली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है और स्ट्रॉन्गली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। इन दोनों का अगर आप कोरिलेशन देख लें यहाँ पे, लेट से मैं आपको कोरिलेशन भी दिखा देता हूँ, तो माइनस की बड़ी माइनस वन की वैल्यू करीब होगी। तो लेट से हमारा टीएफ हो गया, और उसमें से मैं दो कॉलम चूज करता हूँ इको एंड इंट डॉट रेट, और इनका अगर हम कोरिलेशन देखें आपस में तो देखें माइनस 0.7 है। ठीक हो गया। माइनस 0.7 माइनस 1 के करीब है, मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है और नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। ठीक हो गया। सेटिंग अप डेटा इन्फो करा देख लो, तो चलो देख लेते हैं आपके पास ये आ गए, और इसमें कुछ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उनको हैंडल करते हैं। नोटिस दैट द पर्पस कॉलम इज एज कैटेगोरिकल। पर्पस कॉलम कहाँ है, कहाँ 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 कहाँ, ये रहा। तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, so that we need to transform them using dummy variables so sklearn will be able to understand. let's do in one clean step using pandas.get. let's show you. ठीक हो गया। तो हम हमने ये पहले भी किया है कि जो हमारे categories variables होते हैं उनको हम models को जब देंगे तब हमें numerical values में convert करके फिर देने पड़ेंगे। अगर आप देखें तो आपका purpose का column categorical column है, तो इसको अगर मैं pd.get dummies का फंक्शन कॉल करूं और उसमें अगर मैं df देता हूं, तो अगर आप देखें तो मेरा डिफरेंट उसमें पर्पस तो बहुत सारे हैं ना। अच्छा, मैं पहले आपको यहां पे दिखा दूं कि पर्पस कॉलम की कितने वैल्यूज हैं। तो df और पर्पस डॉट वैल्यू काउंट्स, अगर आप ये देखें तो आपके पास तीन तीन छः सात सात डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो सात कॉलम बन जाएंगे आपके। ठीक हो गया। तो ये पर्पस
आपका बनते कैसे हैं एक्चुअली, आपका पहला जो कॉलम का नाम है वो आएगा, उसके बाद ये अंडरस्कोर, उसके बाद आपके उसके नाम। तो आपके पास ये ऑल अदर का आ गया, क्रेडिट कार्ड का आ गया, डेट कंसल्टेशन का आ गया, एजुकेशन का और होम का, और ये सारे जितने भी है ना इन सब का आ गया। लेकिन इसमें से एक ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि एक जो नहीं हुआ वो वन और टू में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप फर्स्ट का कॉलम टू में कर दूंगा। तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई बाकी, ये हमारा लेट से इसको मैं लेट से फाइनल डेटा दे देता हूँ। हमारा फाइनल डेटा ये है टी छोटा, ठीक हो गया। और अब फाइनल डेटा का अगर मैं हेड देखूँ तो फाइनल डेटा डॉट हेड अगर मैं देखूँ तो अब आपके पास सारे जीरोस वन में आ गए। और आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा किस तरह काउंट किया, तो आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा कंसल्टेशन है ना, ये है या नहीं है। अगर डेटा कंसल्टेशन का कोई फीचर यहाँ पे आया ना, तो एक इसका डिफरेंट कॉलम बन गया है। और यहाँ पे देखिएगा इस रोज में डेटा डेटा नहीं सॉरी डेट कंसल्टेशन आपकी है या नहीं है। तो आपका लेट से यहाँ पे है ना, तो इस रो पहली रो में डेट कंसल्टेशन है तो इसने यहाँ पे वन दिया होगा, लेकिन सेकंड रो में नहीं है तो यहाँ पे जीरो होगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड का वन होगा। और डेट कंसल्टेशन फर्स्ट में वन जीरो और सेकंड में जीरो और क्रेडिट कार्ड का इसमें वन है, ठीक। तो ये इस तरह सर्च जीरो वन पे वैल्यूज दे देता है। और अब हम पहले में हमारी जो फाइनल डेटा है, अच्छा हमें इसमें प्रेडिक्ट क्या करना है, हमारी एक्चुअली टारगेट वेरिएबल क्या है, लेट मी चेक। तो हमारा टारगेट वेरिएबल ये है लास्ट वाला, लास्ट वाले के लास्ट पहले लास्ट था, नॉट फुली पेड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स को हमारा जो फाइनल डेटा है उसमें से नॉट फुली पेड डॉट फुली डॉट पेड ड्रॉप करता हूँ, और बाकी जो होंगे वो मेरे एक्स वाले। और वाई को मैं दूंगा फाइनल डेटा और उसका नॉट फुली डॉट पेड, ये हमारे एक्स वाई हो गए। अब मैं यहाँ पे from scln dot model selection import train test split और इसका मैं भाई यहाँ से copy कर लेता हूँ, तो ये हो गया आपका एक्स वाई। और मैं इसका 30% डाटा दे देता हूँ पूरा, और हमने इन्होंने ऑलरेडी इम्पोर्ट किया हुआ है। हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है डिसीजन ट्री का, क्लासिफायर का, और इसी पे फिट कर देना है एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, और ये आपका मॉडल फिट हो गया। और आप यहाँ पे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं d3.predict, और इसमें आप देंगे x test, predictions आ गई। और आप ये कह रहा है कि क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कन्फ्यूज मैट्रिक्स कर लो, तो वो भी कर लेते हैं। क्लासिफ्राम के डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कन्फ्यूज मैट्रिक्स एक्यूरेसी स्कोर, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, हमारे उपाय ट्रू वैल्यूज देंगे और हमारी प्रेडिक्शंस देंगे। ये आपकी आगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स में भी इसी तरह ट्रू वैल्यूज बाय टेस्ट वाले, और आपकी प्रेडिक्शंस इसी तरह, आपका एक्यूरेसी स्कोर भी आप देख सकते हैं, एक्यूरेसी स्कोर बाय टेस्ट वाले ट्रू वैल्यूज एंड आपकी प्रेडिक्शंस। इसका एक्यूरेसी स्कोर है 73.1। अब देखते हैं रैंडम फॉरेस्ट पे सेम है या नहीं है। फ्रॉम स्केलर डॉट बताइए कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, एनसेंबल से इंपोर्ट आपका रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स ये खुद ले लेगा, या मैं 100 दे देता हूँ, चलो 100 एन एस्टिमेटर्स मैंने 100 दे दिए लेट से। और आर एफ सी डॉट प्रेडिक्ट
फिटक नहीं, पहले फिट तो करो मैं, तो ट्रेन करना पड़ेगा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ये आपका मॉडल फिट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि हमने 100 डिफरेंट ट्रीज बनाएगा, तो इसने थोड़ा इसमें टाइम लिया। तो ये हमारा रिटर दूसरा है, इसको वन का नाम दे देता हूँ और रैंडम फर्स्ट क्लासिफाइड डॉट प्रिडिक्ट, इसमें मैं एक्स टेस्ट दे देता हूँ, हमारी प्रिडिक्शंस आ गई। और अब इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ये वो बाकी कह रहा है, ये दोनों आप क्रिएट कर दीजिएगा और मैं इसका एक्यूरेसी स्कोर फाइंड करता हूँ। ये ऐसा करते हैं, आज मैं यहाँ पे ना आपको ये इन दोनों का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि ये क्या है। तो ऐसा करते हैं पहले मैं ये बना लेता हूँ रिपोर्ट्स, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे दोनों को, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और आपके पास वाई टेस्ट और प्रेड वन और कन्फ्यूज मैट्रिक्स, इसके अंदर वाई टेस्ट और प्रेड वन। और इसी तरह मैं यहाँ पे एक्यूरेसी बना लेता हूँ, एक्यूरेसी आपकी लेट से क्या होगी, वाई टेस्ट एंड प्रेड वन। एक्यूरेसी भी बात पे आती है, पहले इनको देखते हैं, आपका कन्फ्यूज मैट्रिक्स, यार ये कन्फ्यूज मैट्रिक्स मैंने क्यों डिलीट कर दिया यहाँ से, सॉरी कन्फ्यूज मैट्रिक्स क्यों हटा दिया मैंने यहाँ से, एक्यूरेसी यहाँ पे ठीक हो गया। तो अगर हम देखें कौन सा मॉडल, यहाँ पे हमें एक्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा मॉडल आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो एक्यूरेसी से तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें इसमें जीरो क्लास का प्रिसिशन और रिकॉल और F1 स्कोर एज कंपेयर टू, मैं यहाँ पे यही क्लासिफिकेशन रिपोर्ट रेड वन से बना देता हूँ। तो अगर आप देखें तो इसका प्रिसिशन और रिकॉल, प्रिसिशन आपका इसका कम हुआ है, रिकॉल इसका बढ़ा है, और यहाँ पे रिकॉल इसका 0.2 है और यहाँ पे बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो रिकॉल और प्रिसिशन क्या होता है, हर क्लास का आपका डिफरेंट, आपका जो टारगेट वेरिएबल है जो कि 0 और 1 में है, तो डिपेंड करता है, हम यहाँ पे अगर किसी स्पेसिफिक क्लास वेरिएबल को वेटेज ज़्यादा देना चाह रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेंस ज़्यादा किसकी है, 0 की है या 1 की है, ठीक है, मुझे ये देखना है ना। या फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक औरत है, वो जाती है हॉस्पिटल डॉक्टर के पास प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने, अगर उसकी प्रेगनेंसी नहीं है और डॉक्टर कहता है कि है, या डॉक्टर डॉक्टर को एक आप रैंडम फॉरेस्ट या क्लासिफिकेशन मॉडल समझे, तो डॉक्टर कहता है कि है, तो उस बंदी को इतना नुकसान नहीं है, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि वो उसकी प्रेगनेंसी है ही नहीं ना, डॉक्टर ने कहा है अगर है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी भले क्या है, प्रिकॉशंस ले भी या कुछ भी करे ना, प्रेगनेंसी पहले थी नहीं थी तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डॉक्टर कहता है प्रेगनेंसी नहीं है और एक्चुअली प्रेगनेंसी उस बंदी की है, तो वो बंदी फिर प्रिकॉशंस नहीं लेगी और वो तो ट्रबल्स में आ जाएगी ना। तो यही एग्जांपल है कि ऐसे हमारी डेटा अगर ऐसी है, हमें प्रेगनेंसी टेस्ट अगर देखनी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी है ना, मतलब प्रेगनेंसी अगर है और उसको मिसक्लासीफाई कर रहा है वो, तो उसको हम ज्यादा वेटेज देंगे, ये तो उसी वक्त हम देख रहे होते हैं कि प्रेसेशन और रिकॉल चीजें, इवन दो हमारा एक्यूरेसी स्कोर ज्यादा हो, लेकिन ऐसे केस में अगर हमारे पास प्रेसेशन और रिकॉल को हम कंसीडरेशन में नहीं लेंगे, तो प्रेग्नेंट हो जाएंगे और फिर मसले हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर आप F1 स्कोर को देखें, तो भी आपका क्लास 1 के लिए इंप्रूव हुआ है और क्लास 2 के लिए आपका डिक्रीज हो गया है 1 के लिए, ठीक हो गया। तो इसमें तो डिपेंड करता है, सही है, डेटा साइंस में बार दफ़ा आपके जो सवाल पूछे जाएंगे ना, उसमें आप आंसर दे रहे होंगे तब ये कह रहे होंगे कि वेल इट ऑल डिपेंड्स, मतलब डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, कि आपकी बिजनेस डोमेन क्या है, आप जिस चीज़ पे मॉडल बना रहे हैं उसकी डोमेन क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, किन किन क्लासेस को ज़्यादा वेटेज देनी है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका एक्यूरेसी स्कोर बढ़ा है, एक्यूरेसी स्कोर में अगर ग्रेड वन वाले मतलब डिसीजन ट्री वाले देख लूँ, तो इसका 73.1 था और इसका 83.5 है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं, तो इसका अगर आप आंसर करेंगे तो आप ओवरऑल तो वैसे आपका
रैंडम फॉरेस्ट का एक्यूरेसी स्कोर ज़्यादा है, बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन स्टिल इट डिपेंड्स के कौन से फीचर्स को हम, कौन सी क्लासेस को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारी बिजनेस डोमेन क्या है, तो उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे हमने मैंने एस्टिमेट 100 दिए ना, मैं 500 देके देखता हूँ मेरा एक्यूरेसी स्कोर बढ़ता या नहीं बढ़ता। अब ट्रेन हो गया मॉडल, अब 500 मैंने एस्टिमेटर्स दिए तो थोड़ा टाइम ले रहा है ट्रेन, देखो, क्योंकि वो 500 ट्रीज बना रहा होगा, तो इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं। ये बना लिए नंबर ऑफ एस्टिमेटर से, अब मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ऑफकोर्स डिफरेंट आएगी, लेकिन होने दो, लेकिन मैं अभी इसका एक्यूरेसी स्कोर देखना चाह रहा हूँ। 83.5 है अभी, और अभी 83.6 आ गया, सही है, और ज़रूरी नहीं कभी 500 पे, तो अगर मैं 300 पे देख लूँ, मे बी 300 पे और ज़्यादा इसका स्कोर आए, तो ये जब हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे ना, हाइपर पैरामीटर्स की ट्यूनिंग, तब हम देखेंगे कि कौन सा एस्टिमेट से ज़्यादा है। उसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करेंगे। लेट से मैं बोलूँगा कि भाई 100 से 500 के बीच में 10 वैल्यूज ट्रीट कर ले, मतलब 100, 150, 200, 250, 300, इस तरह ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ताकि हमें बेस्ट एस्टिमेटर्स का नंबर मिल जाए। देखो 500 पे 83.6 था, लेकिन 300 पे 83.7 आया, तो कौन से बेटर है, कौन सा नहीं है, ये हम ज़्यादा हाइपर ट्यूनिंग से पता कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। अभी मैंने आई गेस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें बताई हैं कि कौन सी चीज़ें को किस तरह इंटरप्रेट करना है, कौन सी चीज़ें इंडिकेट करती हैं मॉडल अच्छा है नहीं है, और ये आई गेस बिगनर लेवल का नहीं है, तो फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा बता दिया ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। लेकिन एडवांस लेवल के जो हमारे ट्यूटोरियल्स होंगे आगे मैं बनाऊंगा, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ों को देखेंगे, और मॉडल को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है, एक्यूरेसी ज़्यादा कैसे लानी है, उन चीज़ों पर हम बात करेंगे। एंड फॉर नाउ आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा, और अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।